मॉडल हम देख रहे थे, मॉडल में कुछ चीज़ें जो आने लायक होती है वो याद रखने वाली है, जैसे कैन है, मे है, माइट है, इनमें जो समानता वाली चीज़ें चलती है वो क्या है, जैसे संभावना है, पॉसिबिलिटी। इसमें भी आता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी आता है, इसमें भी आता है, ठीक है ना। संभावना तीनों के अंदर है, इसको हम बोलते हैं संभावना। किसी काम को होने की संभावना ज़्यादा है या कम है, संभावना तीनों के अंदर है। लेकिन आपको याद रखना है कैन की जो संभावना है वो होती है जनरल पॉसिबिलिटी, इसे हम सामान्य संभावना कहते हैं। सामान्य संभावना आएगी तो किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। ये होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, जिसे हम तथ्य आधारित संभावना कहते हैं, मतलब जिसमें तथ्य ज़्यादा हो, तथ्य अधिक हो, ज़्यादा हो संभावना, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। और ये पॉसिबिलिटी आती है रिमोट पॉसिबिलिटी, इसे हम कहते हैं क्षीण संभावना या कम संभावना। यानी पॉसिबिलिटी में क्या ध्यान रखना है, सामान्य संभावना जनरल पॉसिबिलिटी जो सभी के साथ लागू होती है वो जनरल पॉसिबिलिटी में आएगा, वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह दो कि सवाल में किसी से थोड़ी बहुत गलती सभी से हो सकती है, तो एक सामान्य संभावना है कि जो बहुत सारे सवाल करता है उसके एक आधे सवाल में गलती हो जाती है, ये जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य संभावना है। एक हमने मोबाइल फ़ोन का देखा या टीवी का देखा, टीवी आजकल हर घर में दिखती है, एक सामान्य संभावना है, हर हाथ में मोबाइल दिखता है, ये सामान्य संभावना है। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होगी तथ्य आधारित, तथ्य है उसके अंदर कि वो रोज़ 10 घंटे पढ़ता है, तो अब तो वो फर्स्ट डिवीज़न आएगा ही आएगा, क्योंकि वह रोज़ कितने घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है। तथ्य है इसके अंदर कि वो 10 घंटे क्या करता है, पढ़ता है, 10 आवर्स अगर पढ़ता है तो तथ्य ज़्यादा है होने का। माइट में देखें तो क्षीण संभावना है, यानी कि वो किताब भी नहीं पढ़ता है, अब हम कह रहे हैं कि वो फर्स्ट डिवीज़न पास होगा, किताब ही नहीं खोली उसने, यानी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं तो फर्स्ट डिवीज़न कैसे पास हो सकता है, ये बताओ। तो वो संभावना है, कैसी संभावना हो जाएगी, छीन संभावना हो जाएगी। तो तीनों में संभावनाओं में अंतर ध्यान रखें कि कैसे जनरल में आएगी, कौन सी फैक्चुअल में आएगी, कौन सी रिमोट पॉसिबल में आएगी। जनरल आएगी तो कैन का प्रयोग करना है, फैक्चुअल आएगी तो मे का प्रयोग करना है, और रिमोट पॉसिबिलिटी आएगी तो माइट का मॉडल का प्रयोग करना है। वैसे ही परमिशन में होता है, इसमें आती है फॉर्मल परमिशन, इसमें आती है इनफॉर्मल परमिशन, इसमें आती है डिफिडेंट परमिशन। परमिशन को बोलते क्या है, अनुमति, यानी किसी से हम अनुमति मांग रहे हैं, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने सहयोगियों से, मित्र से, छोटों से अनुमति लेने की, बड़े को छोटों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मांग रहे हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी मांग रहे हैं, तो उसके साथ किसका प्रयोग करना है, कैन मॉडल का प्रयोग करना है।
ये हो गई इनफॉर्मल, लेनी आवश्यक है, बड़ों से अनुमति लेनी आवश्यक है, माता पिता से, बड़ों से, बड़े भाई से लेनी आवश्यक है, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, मे का। और ये हो गया डिफिडेंट परमिशन। डिफिडेंट मतलब कि संशयात्मक अनुमति लेने में संशय हो रहा है, संशयात्मक अनुमति है कि मैं यहाँ क्लास में खेल लूँ क्या, तो क्लास खेलने के लिए थोड़ी होती है, संशय संशयात्मक वो उसको करते हुए संशय हो रहा है परमिशन लेते हुए कि मैं कक्षा में खेल लूँ क्या। तो ये जो ये परमिशन है ये किसके अंदर आएगी, माइट के अंदर आएगी। तो जहाँ अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है फिर भी ले रहे हैं वहाँ कैन लगा देंगे, वेटर को कहेंगे हम बिल लेकर आओ, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वेटर कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वेटर से अनुमति लेनी नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं। अगर पिताजी से कहेंगे या हम टीचर से कहेंगे तो वहाँ किसका प्रयोग कर देना है, मे आई कम इन, मैं अंदर आऊँ क्या, मैं बाहर जाऊँ क्या, मे का प्रयोग करेंगे। और ऐसी परमिशन जो संशयात्मक है, जिसको लेने में घबराहट है, डर है, संशय है, वहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, माइट आई स्मोक हेयर, क्या मैं स्मोकिंग कर लूँगा यहाँ, माइट आई स्मोक हेयर। तो स्मोक मतलब कि धूम्रपान करना संशय होगा, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा, माइट का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अनुमति का चैप्टर है, जो हमने दो चीज़ें देखी, काफ़ी काम आती है आपके जनरल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल और रिमोट पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल, फॉर्मल और डिफिडेंट परमिशन, इनके प्रश्न अधिकांशतः दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग डिफरेंस बता दिया कि कैन में क्या अंतर है, मे में क्या अंतर है और माइट की पॉसिबिलिटी में क्या अंतर है। अब आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको अंतर पहचान करना पड़ेगा कि कैसे हम पहचान करेंगे।